एपिसोड में हमने देखा कि जैसा वीरभद्र ने सोचा था वैसा ही हुआ। पास्ट में जाकर उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही थी, इसलिए वर्तमान में वापसी के द्वार पर एक समय में केवल दो ही लोग वापस जा सकते थे। इसलिए वीरभद्र ने अपनी जान देकर वर्तमान में वापसी का द्वार खोल दिया। अब आगे, वापसी का द्वार बंद होने से ठीक पहले आयुष ने एक बार वीरभद्र की तरफ देखा था। द्वार के उस पार खड़ा हुआ वीरभद्र आयुष को देखकर मुस्कुराया था। तभी उस पर उन मायावी शेरों ने हमला कर दिया था और दरवाजा बंद हो गया था। वीरभद्र ने नील और आयुष की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। नील और आयुष एक बार फिर समय यात्रा कर वापस उसी जगह आ गए थे जहां से अनामिका आयुष को अगवा करके ले गई थी। वापसी के द्वार की शक्ति ने उन दोनों को जमीन पर लापटका था। एक पल के लिए तो वो समझ ही नहीं पाए थे कि वो कहां आ गए हैं। दोनों ने जब ध्यान से देखा तब उन्हें समझ आया कि वो फिर से वहीं आ गए हैं। आयुष माथे पर सिलबटे डालकर बोला, हम तो वहीं फिर इस जंगल में आ गए हैं। वीरभद्र की कुर्बानी जाया ही गई। इतना कहकर आयुष ने पलटकर नील की तरफ देखा। नील घुटनों के बल बैठा हुआ अपने भाई वीरभद्र की याद में विलाप कर रहा था। आयुष दौड़कर नील के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, खुद को संभालो नील, तुमने भाई खोया है। तो मैंने भी एक सच्चा दोस्त खोया है, नील ने आंसू पोंछते हुए कहा। उसकी जान मेरी वजह से गई है। मैं जब जब उसके साथ रहा हूँ मैंने हमेशा उसे मुश्किलों में डाल दिया, और इस बार तो मैंने उसकी जान ही ले ली। उसने मुझे क्यों नहीं रुकने दिया? उसकी जगह मुझे मरना चाहिए था। मैं अब कभी अपने भाई से नहीं मिल पाऊंगा। वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया है, हमेशा के लिए। नील की ये हालत देखकर आयुष भी खुद को रोने से रोक नहीं पाया। नील ने तो सिर्फ अपना भाई खोया था, उसने तो अपने दोस्त के साथ साथ अपने प्यार को भी खो दिया था। आयुष पास ही पड़े एक पत्थर पर बैठ गया और वाणी के बारे में सोचने लगा। उसकी आंखों के सामने बार बार वाणी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था। साथ ही उसे वीरभद्र के साथ बिताए पल भी याद आ रहे थे। वीरभद्र कितना वीर और साहसी था। उसने कहा था कि वो आयुष के लिए अपनी जान भी दे देगा, और उसने वैसा ही कर भी दिखाया। अब वो उसके बिना अकेला इस माया जाल से कैसे निकल पाएगा? ये सब बातें सोचकर आयुष की हिम्मत टूटने लगी थी और उसने बिखरते हुए कहा, मेरी वजह से तुम्हारा भाई मर गया नील, मुझे इस बात का अफसोस है। मुझे लगता है अब तुम्हें भी यहाँ से चला जाना चाहिए। मैं एक दोस्त को खो चुका हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहता। वैसे भी ये जंग मेरी है, मुझे अकेले ही इसे लड़ना होगा। इस पर नील ने सर उठाते हुए आयुष की आंखों में देखकर जवाब दिया, मुझे मेरे भाई के मरने का दुख है, लेकिन मुझे कायर समझने की गलती मत करना आयुष। मेरा हृदय प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा है। जब तक मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं ले लूंगा, मेरी जीवात्मा को ठंडक नहीं मिलेगी। तभी आयुष उठकर उसके करीब गया और कड़े स्वर में बोला, मैंने कहा ना, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारा भाई एक शक्तिशाली तांत्रिक था, उसे मायावी शक्तियों से लड़ने का हुनर आता था। वो मायावी शक्तियों से लड़ने का हुनर जानता था। हर परेशानी का कोई ना कोई हल वो निकाल लेता था। और देखो मेरे पास क्या है, एक बकवास सी किताब और ये छोटी सी कटार। इनसे मैं काली शक्तियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। इस पर नील ने चिल्ला कर कहा, तुम नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं तो बिगाड़ सकता हूँ। आयुष ने बेहद गुस्से में नील को समझाते हुए कहा, क्या बिगाड़ सकते हो तुम? इस तीर कमान से तुम क्या ही कर लोगे? मैं कुछ नहीं कर पाया, वीरभद्र कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर लोगे? अपने भाई की तरह अपनी जान से हाथ धोने से बेहतर है कि तुम यहाँ से चुपचाप अभी इसी वक्त चले जाओ। नील गुस्से में भरी आवाज में बोला, कभी हार ना मानना मैंने अपने भाई से सीखा है। मैं विपत्ति को देखकर मुंह नहीं फेरता। मेरे भाई ने तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उस प्रतिज्ञा का भार मेरे कंधों पर आता है। जब तक जीवित हूँ तुम्हारी रक्षा करना अब मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस पर आयुष ने नील को घूरते हुए उसकी तरफ उंगली उठाकर कुछ कहना चाहा, तभी अचानक हवा में ऊर्जा का एक गोल घेरा सा बनने लगा। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते
अनामिका उस ऊर्जा के गोले से बाहर निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई थी और मुस्कुरा रही थी। आयुष अपनी कटार निकालकर उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सब तेरी वजह से हो रहा है। तूने मुझसे मेरी वाणी को छीन लिया और वीरभद्र वो भी तेरी वजह से मारा गया। तभी नील ने आयुष को हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और अनामिका मुस्कुरा कर बोली वीरभद्र वीरभद्र अपनी गलती से मरा है। अगर वो तुम्हारी मदद करने ना आता तो आज जिंदा होता जैसे हजारों सालों से था। और क्या कहा तुमने, ये सब मेरी वजह से हो रहा है? ये तुम्हारी गलत फहमी है आयुष, ये सब मेरी वजह से नहीं, ये सब उस वाणी की वजह से हो रहा है जिसकी तुम बात कर रहे हो। अगर वाणी हजार साल पहले हम दोनों के प्यार के बीच ना आती तो आज भी हम दोनों एक साथ होते, भले ही आत्माओं के रूप में, और उन्हीं आत्माओं का मिलन कराने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम ही समझ नहीं रहे हो। तभी आयुष अनामिका की तरफ बढ़ा और बोला, मैंने तुमसे कहा ना अनामिका, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता, कम से कम मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर अनामिका हंसते हुए बोली तभी तो मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। मुझे भी पता है कि जीते जी तो तुम मानोगे नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारी यादों तक से उस वाणी का नाम और निशान मिट जाए, ताकि फिर तुम उसे कभी याद ना कर पाओ। इसीलिए तो मैं तुम्हें हजार साल पहले ले गई थी, लेकिन इन दोनों भाइयों ने आकर वहाँ सब कुछ खराब कर दिया। खैर कोई बात नहीं, हजार साल से तुम्हारी उम्मीद में हूँ, मैं कोशिश करती रहूंगी। तभी आयुष चिल्ला कर बोला, अपनी बकवास बंद कर और मुझे ये बता कि तूने मेरी वाणी के साथ क्या किया है, कहाँ है मेरी वाणी? अनामिका लहराते हुए आयुष के बेहद करीब आई और उसने वाणी के हाथ का कंगन आयुष की तरफ उछाला और बोली वाणी तो कहीं गुम हो गई है, शायद समुद्र में, लेकिन उसके हाथ का एक कंगन मेरे पास ही रह गया था। वैसे तो मैं जाग जाऊं अपनी मायावी शक्तियों से तुम्हें भ्रमित कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई का खुद ही पता लगाओ और उसका सामना करो, तब हो सकता है कि तुम खुद ही मेरे पास दौड़ते चले आओ और मुझे और हत्याएं न करनी पड़े। इतना कहकर अचानक अनामिका गायब हो गई थी और आयुष वाणी का कंगन हाथ में लिए उसे बस देखे जा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे। आयुष कड़े स्वर में बोला, क्या उसने वाणी को मार डाला है? क्या मतलब था उसकी बात का? मुझे कैसी सच्चाई का सामना करना है? तभी नील ने उसे समझाते हुए कहा, मुझे लगता है वो कोई नई चाल चल कर गई है, तुम्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो मायावी है, माया रचती रहती है, जब तक वाणी हमें नहीं मिल जाती हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। अचानक आयुष आग बबूला हो उठा था। वो वाणी के कंगन की तरफ देखते हुए बोला, अगर मेरी वाणी को कुछ हुआ तो मैं इस अनामिका का अंत करके ही दम लूंगा, इसके माया जाल को तबाह कर दूंगा मैं। बस बहुत हो गया नील, मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। नील ने माथे में सिलवटे डालकर पूछा, अब तुम क्या करने वाले हो? आयुष गुस्से में बोला, मुझे वापस किसी तरह से यहाँ से निकलकर समुद्र के उस बीच पर जाना होगा जहाँ मैंने आखिरी बार अपनी वाणी को देखा था, और इस समुद्र में वो पत्थर भी है जिसमें अनामिका के अंग छुपे हैं। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचकर उन्हें नष्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे समुद्र में उतरना पड़ेगा और उस पत्थर को ढूंढना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे। इस पर नील ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम समुद्र में उतरना चाहते हो तो उसके लिए मेरे पास एक रास्ता है। आयुष ने आश्चर्य से पूछा, कैसा रास्ता? नील ने जवाब दिया, उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा, मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। इतना कहकर नील जंगल की तरफ आगे बढ़ गया और आयुष उसके पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में नील ने आयुष को बताया
कि यहाँ पर दिव्य किरण घाटी है, जहाँ पर कोई मायावी शक्तियाँ काम नहीं कर पाती। वो घाटी अभी भी अनामिका के माया जाल से बची हुई होनी चाहिए। वो एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ पर एक बुढ़िया रहती है, उसी के पास तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। आयुष ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, कैसा समाधान? तुमने ही तो कहा कि तुम समुद्र में पत्थर की तलाश में जाओगे जिसमें अनामिका के अंग छुपे हैं। अब उन अंगों को ढूंढने के लिए तुम्हें समुद्र में तो उतरना पड़ेगा ना, और तुम कोई समुद्री जीव तो हो नहीं कि पानी में सांस ले सको, और ना ही मैं ले सकता हूँ। वो बुढ़िया इसमें हमारी मदद करेगी, उसके पास जादुई शक्तियों से निर्मित रुद्राक्ष की कंठ माला है। मैंने सुना है कि यदि कोई व्यक्ति उन मालाओं को अपने कंठ में धारण कर लेता है तो उसमें पानी में सांस लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस पर आयुष ने नील के पीछे पीछे चलते हुए बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या ऐसा संभव है? नील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संभव असंभव का मुझे ज्ञान नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो उस बुढ़िया को ढूंढने के बाद ही पता चलेगा। आयुष ने सवाल दागा, ढूंढने से तुम्हारा क्या मतलब है? अभी तो तुमने कहा कि तुम जानते हो कि वो बुढ़िया दिव्य किरण घाटी में एक पहाड़ी पर रहती है। इस पर नील ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि वो पहाड़ी पर रहती है। वो पहाड़ी पर कहाँ मिलेगी ये तो हमें वहाँ जाकर ही पता चलेगा। इसके बाद आयुष और नील कई जंगली इलाकों और नदियों को पार करके दिव्य किरण घाटी में पहुँच चुके थे, और थोड़ी देर बाद ही उन्हें वो छोटी सी रहस्यमयी पहाड़ी दिखाई दी गई थी जहाँ उन्हें जाना था। पहाड़ी के रास्ते में कई मुश्किलें उनके सामने आई, जैसे कटीली झाड़ियाँ और जहरीली सांप। वे सभी बाधाओं को पार करते हुए बिना रुके आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उन्हें एक झरना दिखाई दिया। उस झरने के बेहद करीब एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया को देखते ही नील की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। नील बड़े उत्साह से मुस्कुराते हुए बोला, वो रही, वही मिलनी चाहिए वो बुढ़िया। जैसे ही वो दोनों बुढ़िया की कुटिया के नजदीक गए, अचानक उन्हें एक तेज ललकारने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उस बुढ़िया की थी। बुढ़िया बाहर आकर कुटिया के दरवाजे पर खड़ी हो गई और चिल्ला कर बोली, ए, सावधान, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दोनों को भस्म कर दूंगी। उस बुढ़िया की हालत बहुत ही खस्ता थी। उसे खुद को ललकारते हुए देखकर आयुष ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी। नील बुढ़िया को देखते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर दंडवत लेट गया। उसने पहले बुढ़िया से उसे डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा याचना की, और फिर उसने अपने वहां आने का कारण बताया। बुढ़िया पूरे ध्यान से सारी बातें सुनती रही। फिर उसके बाद उसने कहा, मेरे पास अब मालाएं नहीं है, मैं अब उन्हें नहीं बनाती क्योंकि अब मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन मैं दूसरे तरीके से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आयुष ने आश्चर्य से पूछा, और वो कैसे करेंगी आप? बुढ़िया ने जवाब दिया, उसके लिए तुम्हें मेरा अंतिम संस्कार करना होगा। आयुष और नील ने जैसे ही बुढ़िया की ये बात सुनी उन्हें बहुत अजीब लगा, और वो लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे। तभी वो बुढ़िया उन्हें अपनी कुटिया के अंदर लेकर गई। कुटिया के अंदर का नजारा देखते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्होंने देखा कि बुढ़िया उनके पास खड़ी थी, जबकि उसकी लाश उनके ठीक सामने जमीन पर रखी हुई थी। आयुष ने घबराते हुए पूछा, इसका मतलब क्या आप एक आत्मा हो? इस पर बुढ़िया ने अचानक आयुष को डांटते हुए कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, और जो मैं कह रही हूँ वो करते जाओ। इस लाश को ले जाओ और जल्द से जल्द इसका अंतिम संस्कार करो। इस लाश की अस्थियों में ही तुम्हें वो दो दिव्य मालाएं मिलेंगी जिनकी मदद से तुम समुद्र में भी जीवित रह सकोगे। दोनों ने ऐसा ही किया। वो बुढ़िया की लाश को उठाकर पहाड़ी की चोटी पर ले गए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उन्हें बुढ़िया की अस्थियों की राख में से दो रुद्राक्ष की मालाएं मिली। उन्होंने रुद्राक्ष की माला को जैसे ही अपने गले में डालकर देखा तो अचानक उन दोनों का ही दम घुटने लगा था। वो हवा में सांस नहीं ले पा रहे थे। आयुष चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मैं हवा में सांस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? तभी आयुष का ध्यान झरने की तरफ गया। वो बिना कुछ सोचे समझे ही झरने में कूद गया। आयुष को देखकर नील ने भी ऐसा ही किया।
दोनों अब उस झरने के गहरे पानी में समा चुके थे, लेकिन पानी में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वो किसी मछली की तरह बड़े आराम से सांस ले पा रहे थे। अचानक वो रुद्राक्ष की माला उनके गले से चिपक कर उनके मांस में चली गई और थोड़ी ही देर बाद गायब हो गई। और तभी उन दोनों ने नोटिस किया कि उनके जबड़े की निचली हड्डी के पीछे की तरफ मछलियों की तरह गलफड़े उभर आए थे। दोनों ये देखकर आश्चर्यचकित भी थे और खुश भी। आयुष ने मुस्कुराते हुए नील की तरफ देखा और कहा, चलो अब अनामिका के अंगों को ढूंढने चलते हैं। नील और आयुष दोनों में जल में सांस लेने की क्षमता विकसित हो गई है। क्या वो समुद्र में अनामिका के अंग को ढूंढ पाएंगे? क्या आयुष वाणी को ढूंढ पाएगा? जानने के लिए सुनते रहें।